सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा के इस महापूजन के पावन अवसर पर सभी वीवर्स का अभिवादन। ये एक ऐसा अवसर होता है जब इसमें सभी चीजें शुद्ध होती हैं, फिर चाहे वो पूजन हो या व्रत का भोजन। इस व्रत में बगैर अन्न के खाना बनता है, तो आज मैं भी बिना अन्न के कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी कच्चे नारियल की खीर। देखिए, ये सारी सामग्री नारियल की खीर बनाने में लगेगी। 200 ग्राम कच्चे नारियल को हमने ग्रेट करके रख लिया है। 6 बड़े चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच देसी घी, 10 से 12 दाने किशमिश, 7 से 8 कटे हुए बादाम, 8 पिस्ते कटे हुए, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और कुछ धागे केसर के जो हमने गुलाब जल में भिगो कर रखे हैं। 750 ग्राम दूध हमने लेकर कढ़ाई में चढ़ा दिया है। फुल क्रीम मिल्क है, अगर आप चाहें तो दूसरे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। ये घी जो हमने लिया था उसमें थोड़ा डालेंगे, थोड़ा इसको हो जाने देंगे। ये बादाम जो हमने काट कर रखे हैं, पिस्ता, और ये किशमिश भी हम इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं, फ्राई हो गया है सब। अब पैन में हम फिर से घी डालेंगे। और ये नारियल जो हमने ग्रेट करके रखा था उसको इसमें फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। नारियल लगभग भुन चुका है, कलर भी इसका चेंज हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये भुनी हुई जो नारियल है वो अब हम इस दूध में मिक्स करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, ज्यादा तेज रखने पर खीर उबलकर नीचे गिर सकती है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है। ये खीर लगभग हमारी तैयार है। अब ये जो फ्राई किए थे हमने ड्राई फ्रूट्स वो इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। और अब मिक्स करेंगे इसमें इलायची पाउडर, और ये केसर जो हमने गुलाब जल में भिगो के रखी थी। आप इस खीर में चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो आप भी शुगर फ्री डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं डालूंगी, जब ये ठंडा थोड़ा हो जाएगा तब। थोड़ी देर 2 मिनट इसको और पकाएंगे, फिर हमारी खीर तैयार हो जाएगी। खीर बनकर तैयार है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं।
तो ये रही रेनू के व्यंजन की ओर से नवरात्र स्पेशल कच्चे नारियल की खीर। आप भी इसे घर पर बनाइए और इसका आनंद उठाइए, खास तौर से व्रत में बनाने के लिए ये मैंने बनाई है। तो फिर मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी में। हैप्पी नवरात्र। तब तक के लिए रेणु शुक्ला का नमस्कार।